जय श्रीमन नारायण मित्रों मित्रों, आज हम बात करेंगे महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 57वें की। इस 57वें अध्याय में कुल 83 श्लोक है और राहु की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतरदशा का विस्तृत वर्णन है। तो आज के पहले हमने 1 से लेकर 67 श्लोकों तक की चर्चा कर ली है और आज हम चर्चा करेंगे 68 से लेकर के 75वें श्लोक तक की। तो इसके पहले हमने राहु में राहु की अंतरदशा, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र एवं सूर्य की अंतरदशाओं का विस्तृत वर्णन किया है और आज हम 68 से लेकर के 75 तक 8 श्लोकों का वर्णन करेंगे, जिसमें राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा का वर्णन महर्षि पाराशर ने किया है। ज़्यादातर विद्वान जो हैं उनका मत अगर आप सुनेंगे तो राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा के विषय में ग्रहण दोष से संबंधित फलादेश करते हैं, परंतु महर्षि पाराशर क्या कहते हैं इस विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज के पहले वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे youtube.com/balajiJyotishKendra इस YouTube के चैनल पर जाइए, वहाँ शुद्ध वैदिक ज्योतिष से संबंधित अनेक वीडियोज उपलब्ध हैं, आप उन सब का अध्ययन कीजिए। और अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। आप हमारे YouTube के चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आज का अध्ययन हम आरंभ करते हैं, ठीक है। महर्षि पाराशर कहते हैं कि राहोर अंतर्गते चंद्रे स्वक्षेत्रे स्वच्छगे पिवा केंद्र त्रिकोण लाभे वा मित्र क्षे शुभ समझुते राजत्वम राजपूज्यत्वम धार्थम धन लाभकृत आरोग्यम भूषणम चैव मित्र स्त्री पुत्र संपदः। महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही हो, राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा जब आपके ऊपर आए तो ऐसा चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में स्वक्षेत्री हो या स्वराशि में उच्च का हो या किसी केंद्र या फिर त्रिकोण में या लाभ स्थान में या अपने किसी मित्र के घर में शुभ ग्रहों से युक्त होकर के बैठा हो तो ऐसे मनुष्य को ऐसा चंद्रमा राजयोग देता है। राज मान्यता एवं राजा की तरफ से कोई बहुत बड़ी पदवी, धन लाभ, आरोग्य, भूषण, मित्र, स्त्री पुत्र और संपत्ति की वृद्धि सतत करवाता है। 70वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि पूर्णे चंद्रे फलम पूर्णम राज प्रत्याशुभावहम अश्ववाहन लाभ स्याद गृह क्षेत्रादि वृद्धि कृत। कहते हैं कि यदि चंद्रमा पूर्ण हो, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा यदि पूर्ण हो तो संपूर्ण फल की प्राप्ति करवाता है और राजा की प्रसन्नता से सारे कार्य सरलता पूर्वक सिद्ध हो जाते हैं। घोड़े आदि जैसे तीव्र गति से दौड़ने वाले वाहन की प्राप्ति तथा संपत्ति आदि की वृद्धि सतत करवाता है। दाये सात सुख भाग्यस्थे केंद्रे वाला भगे पिवा लक्ष्मी कटाक्ष चिन्हानि गृहे कल्याण संभव सर्व कार्यार्थ सिद्धे स्याद धन धान्य सुखावह सत्कीर्ति लाभ सम्मानम देव्याराधन वाचरेत। 71वें और 72वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि दशानाथ राहु से चंद्रमा यदि चौथे या नवे घर में बैठा हो या किसी केंद्र या फिर लाभ में भी हो तो माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा उस जातक पर होती है। घर में सारे कल्याणकारी कार्यों की संपन्नता होती है, सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है, धन धान्य आदि की वृद्धि, सत्कीर्ति, लाभ, सम्मान एवं माता जी की आराधना के अवसर भी प्राप्त होते हैं। कि दाये सात षष्ठ रंध्रस्थे व्यये वा बलवर्जिते पिशाच क्षुद्र व्याघ्राद्येर गृह क्षेत्रादिनाशनम मार्गे चौर भयम चैव व्रणाधिक्यम महोदरम द्वेति अद्युननाथे तो देह बाधा भविष्यति। 73वें और 74वें श्लोक के पहले लाइन में महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि दशानाथ राहु से चंद्रमा छठे, आठवें, बारहवें घर में बलहीन होकर के बैठा हो
तो पिशाच आदि दोष, भूत प्रेत आदि से खतरा बना रहता है। छोटे वन्य प्राणी जैसे जीव जंतु आदि के भय से घर और खेत आदि की जमीन जायदाद की हानि करवाता है। चोरी, भय, अधिक चोट, अधिक भूख, पेट में विषमता आदि का होना ऐसा जो है संभव हो जाता है। परंतु 74वें श्लोक के दूसरे लाइन में और 75वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि द्वितीय द्यूननाथे तु देह बाधा भविष्यति श्वेतांगां महिषीं दद्यात् विप्राय आरोग्य सिद्धये ततः सौख्यम वाप्नोति चंद्र ग्रह प्रसादतः। कहते हैं कि यदि चंद्रमा दूसरे या सातवें भावेश हो तो शारीरिक कष्ट होता है, ऐसे समय में इसकी शांति हेतु सफेद गाय अथवा दुधारू भैंस का दान किसी ब्राह्मण को करना चाहिए। चंद्र ग्रह संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसके कृपा से आपको मनुष्य को संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो एक बात आप याद रखें, छठे आठवें बारहवें में हो तो बिल्कुल ही चंद्रमा के लिए मोती धारण नहीं करना है, और दूसरे सातवें में यदि हो तो बहुत सोच समझ करके बहुत गहराई से उसकी स्थितियों का, वर्ग कुंडली का और लग्न कुंडली, नवमांस कुंडली आदि का अध्ययन करने के बाद ही मोती धारण करें, अन्यथा न करें। और बाकी यदि चौथे में, नवें में, केंद्र त्रिकोण में यदि बैठा हो तो आप चंद्रमा के लिए मोती धारण कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए मोती धारण करने के लिए आजकल कोई भी बतला देता है। मन में आपके टेंशन है और आप गए किसी सुनार के पास भी, तो उसने कहा कि महाराज आप मोती पहन लो, आपको जो है आपका टेंशन दूर हो जाएगा। परंतु मोती जो है, कोई भी ग्रह, मैंने कई बार बतलाया है कि कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता, और ऐसे में आप चंद्रमा को हल्के में लेकर के अगर उसका मोती पहन धारण कर लेते हैं तो फिर उसका भुगतना आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सावधान होकर के आप किसी भी ग्रहों के लिए रत्न धारण करें, बिना किसी श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी की सलाह के आप बिल्कुल ही धारण न करें। आपका कोई भी ज्योतिषी से अपॉइंटमेंट लेने में जितना खर्चा नहीं होगा उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपका। इसलिए अगर आपके आजू बाजू में कोई अच्छा विद्वान ज्योतिषी उपलब्ध ना हो तो आप कहीं भी ऑनलाइन हमसे या हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, किसी से भी संपर्क करके, अपॉइंटमेंट लेकर के, बातचीत करके, कुंडली दिखा करके आप रत्न धारण करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, आपने हमारे पुराने वीडियोज को नहीं देखा है तो फिर आप हमारे youtube.com/balajiJyotishKendra इस चैनल पर जाएं और वहां जाकर के अनेकों वीडियोज वहां उपलब्ध हैं, आप उसको देखें, ज्योतिष का अध्ययन करें। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोज को लाइक एवं शेयर अवश्य करें अपने मित्रों में, प्रियजनों में, रिश्तेदारों में, सुहृदजनों में, ताकि उनको भी शुद्ध वैदिक ज्योतिष का ज्ञान का लाभ मिल सके। ठीक है, जय श्रीमन्नारायण।